स्वरूप और प्रयोजन इस अध्याय के प्रारंभ में ही समझाया। भगवान का अवतार कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये तीन बातें उन्होंने बताई। जब धर्म की ग्लानी और अधर्म का उत्थान होता है तब होता है, कब होता है इसका उत्तर है, क्यों होता है, दुष्टों का संहार सज्जनों की रक्षा और धर्म की संस्थापना के लिए होता है, ये क्यों होता का उत्तर है, और कैसे होता है इसके विषय में बताया। अपनी करुणा से इच्छा शक्ति को माध्यम बनाकर स्वयं में प्रकट होते हैं, ये तीन बातें समझे। आगे प्रभु ने बताया, मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। दिव्यता किसे कहते हैं, कल मैंने समझाया था। जन्म कर्म दिव्य कैसे है भी बताया था। और भगवान ने भी समझाया कि जो मेरे इस दिव्य और जन्म और कर्म को तत्वतः जानता है वह त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, सह वह शरीर को छोड़ करके जब संसार से जाता है तो पुनः लौट करके इस संसार चक्र में नहीं आता। क्या होता है, माम एति, मुझे प्राप्त कर लेता है। जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है वह पुनः संसार में नहीं आता। इसके लिए श्रुति कहती है कि जो नदियां समुद्र से मिल जाती हैं वो पुनः प्रवाह में नहीं आती। इसी रूप से जो जीव प्रभु को प्राप्त कर लेता है वो पुनः इस संसार में नहीं आता। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्वतः ऐसा जान जाता है, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति, वह शरीर छोड़ने के पश्चात पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होता। फिर कहां जाता है, माम एति, वह मुझे प्राप्त हो जाता है, ऐसा प्रभु ने कहा। माम एति सो अर्जुन, यहां पर प्रभु के दिव्य जन्म और कर्म का बोध होते ही प्रभु का अंश होने के नाते जीव में भी उस दिव्यता का आविर्भाव हो जाता है। वेद का एक कथन है, युष्टम यदा पश्यति अन्नमीशम अस्य महिमानम इति वीतसोक। जब वह अपने निकट वाले अपने इष्ट को आराध्य को पश्यति देख लेता है तो वह भी उसी जैसा हो जाता है, अथवा वह वही हो जाता है। वेद ने दोनों बात कही है, जुष्टम यदा पश्यति अन्नमीशम अस्य महिमानम इति वीतसोक। जब वह अपने निकट वाले को देखता है उसकी महिमा को जानता है तो शोक रहित हो जाता है। वीत शोक कैसे हो जाता है, तो यजुर्वेद की श्रुति कहती है तद अपश्यत तद अभवत, उसको देखा वही हो गया, तदासीत वही था, वो हो नहीं गया वही था की अनुभूति हो गई। पहले था की अनुभूति नहीं थी, उसको देखते ही वह हो गया क्योंकि वही था। इस विषय का विवेचन कठोर परिषद में बहुत बृहद रूप से किया गया है, कल मैंने बताया था। उसमें से परमात्मा के स्वरूप को तीन प्रकार से साधक देखता है। एक तो
जैसे दर्पण में मुंह देखा जाता है, जैसे जल में मुंह देखा जाता है, और जैसे छाया और धूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, इसी प्रकार से साधक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में परमात्मा के स्वरूप को देखता है। अब उसमें यह बात समझाई गई कि ये देखता कहां है, तो उसमें बताया है कि गंधर्व लोक, पितृलोक और ब्रह्मलोक, ये तीन लोक हैं जिसमें जीव ईश्वर का साक्षात्कार करता है। गंधर्व लोक, पितृलोक और ब्रह्मलोक। उपनिषदों में इन तीनों का अलग अलग अर्थ है। गंधर्व लोक क्या है, पितृलोक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, इसका बृहद विवेचन सरल शब्दों में आपको बताऊं तो हमारे शरीर में 8 चक्र हैं और ये 8 दैवी चेतना से संबंधित है। सांख्य दर्शन में बात समझाई गई है कि जो चेतन है, चेतना ऐसे समझ ले, वो 14 स्तरों पर प्रकट होती है। चतुर्दश विधा भूत सर्ग, चेतना का आविर्भाव 14 लेवल पर होता है, 14 स्तर। उसमें से 5 लेवल मनुष्य से नीचे का है, 6ठे लेवल में मनुष्य, 5 स्तर मनुष्य से नीचे के हैं। 6ठे स्तर की चेतना मनुष्य की चेतना है और 8 स्तर की चेतना मनुष्य से ऊपर है, और जो 5 स्तर के नीचे है ये तो मनुष्य देख सकता है, मनुष्य के लिए वो दृश्य है क्योंकि उसके अंडर है, और अपने को भी देख सकता है वो। लेकिन जो मनुष्य ऊपर की चेतना का स्तर है उसको मनुष्य इन आंखों से नहीं देख सकता, क्योंकि मनुष्य से वो हायर लेवल की है। इसलिए यदि मनुष्य अपने में हायर दृष्टि का आविर्भाव कर ले तो उस 8 स्तर की चेतना को भी वो देख सकता है। गीता के 15वें अध्याय भगवान ने बताया कि केवल उसको यत्नशील योगी ही देख पाते हैं, यतंतो योगिनश्चैनं पश्यन् आत्मनि, यत्नशील योगी ही उस आत्मा के स्तर को देख पाते हैं, जन सामान्य की दृष्टि से ओझल। नीचे के लेवल देखे जा सकते हैं क्योंकि स्थूल दृष्टि है हमारी, उसके द्वारा हम स्थूल तत्व को जान सकते हैं। 5 लेवल जो, 5 स्तर जो चेतना के नीचे हैं, उसमें वनस्पति जीवन जिसको वनस्पति चेतना कहते हैं, पेड़ पौधों घास तृण गुल्म लता औषधि आदि में जो चेतना है, वेद इसमें चेतना मानता है, जीवन मानता है। एक दूसरा, इसके पश्चात सरीसृप जीव, रेंगने वाले कीड़े के स्तर। तीसरा कृमि जीवन, पांव से धीरे धीरे चलने वाले मकोड़े के जीवन में। चौथा पक्षी, पंख से उड़ने वाले जंतुओं के रूप में। और पांचवा पशु, चार पायों के। ये 5 लेवल की चेतना मनुष्य से नीचे की है और 6ठे स्तर की चेतना मनुष्य की है, इससे ऊपर 8 स्तर की चेतना और है। इसको सांख्य दर्शन में और वेदांत में दोनों में भिन्न भिन्न नामों से कहा गया है, 2 के प्रति नाम का भेद है, बाकी सब जगह एक ही। और उन 8 स्तर की चेतना को
जानने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए योग शास्त्र आगे आता है और वो कहता है कि तुम अपने 8 चक्रों में जो तुम्हारे जीवनी केंद्र में, उनमें अपनी चेतना को स्थिर करो, वहां से तुम ऊपर वाली चेतना को देख सको, तुम्हें एक दृष्टि मिलेगी, सूक्ष्म दृष्टि मिलेगी। तो पहले मूलाधार चक्र में ले आओगे तो तुम्हारे स्तर से ऊपर वाली चेतना का दर्शन होगा, उससे ऊपर वाले दूसरे चक्र में ले आओगे तो दूसरे स्तर वाली चेतना को देख पाओगे। ऐसे जब तुम ब्रह्म चक्र में अपने जीवन चेतना को ले आओगे तो तुम ब्रह्म लोक को जान सकोगे, यानी जिस स्तर पर तुम जाओगे उस स्तर की चेतना को तुम समझ लोगे। क्योंकि जो ये विशाल विराट पुरुष है उसी का नमूना, उसी का मॉडल तुम्हारा ये शरीर है। जो कुछ इस विराट पुरुष में है वही तुम्हारे में है। इसलिए यदि तुम इस विराट पुरुष को समझना चाहते हो तो तुम अपने शरीर के लेवल को ऊपर उठाओ। तो मूलाधार से लेकर के ब्रह्म चक्र तक ये 8 लेवल है चेतना के। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, उसके आगे चल करके श्री, आज्ञा और ब्रह्मचक्र, ये 8 चक्र है। और इन 8 चक्रों में जैसे जैसे चेतना का उत्थान होगा ऐसे ऐसे ऊपर वाली चेतना का तुम्हें दर्शन होगा। तो अब ऋषि कहता है कठोपनिषद में कि आत्मा का यथार्थ दर्शन कहाँ होता है। वो कहता है आत्मा का यथार्थ दर्शन 3 लोकों में होता है। कौन कौन लोक में? कहा गंधर्व लोक में, पितृलोक में और ब्रह्म लोक में। कहा सही दर्शन कहाँ होता है? कहा सही तो ब्रह्म लोक में होता है, छाया तपो ब्रह्म लोक, जिसका वर्णन श्रुति करती है, छाया तपो ब्रह्म विदो वदंती, उसका साक्षात्कार तो ब्रह्म लोक में जाकर के होता है। यदि चेतना आपकी ब्रह्म लोक तक नहीं गई तो आप ये नहीं समझ सकते कि आत्मा और परमात्मा एक है, कभी नहीं जान सकते। समझे? जो अद्वैतानुभूति है, अद्वैत की अनुभूति, आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति, छाया और धूप के समान आत्मा और अनात्मा के संबंध की, आत्मा परमात्मा के संबंध की अनुभूति, ये तो ब्रह्मलोक में जाकर के होगी। यानी ब्रह्म चक्र में जब तुम्हारी चेतना पहुंचेगी, वहां जब स्थिति होगी तभी तुम अद्वैत की अनुभूति कर सकते हो, उससे पहले नहीं कर सकते। उससे पहले तो जैसे जल में चेतना दिखाई देती है ऐसा तुम्हें दिखाई देगा पितृलोक। जल में देखते हो ना अपनी छाया, दिखाई तो देती, हिलता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही पितृलोक में जब पहुंचोगे तो ऐसे दिखाई देगा। गंधर्व लोक में भी तुम देख सकते हो उसको, लेकिन कैसा दिखाई देगा? कहा ऐसा नहीं दिखाई देगा, वो तो दर्पण में जैसे देखते वैसा दिखाई दे। इसलिए अलग अलग स्तर पर पहुंचने पर तुम अपने अलग अलग स्वरूप को देखते हो। जिन विद्वानों ने परमात्मा, आत्मा, प्रकृति आदि की स्वीकृति की है वो उस स्तर तक पहुंचे हुए नहीं थे जहां से अद्वैत का अनुबोध होता। जिन विद्वानों ने आत्मा और परमात्मा की एकता की बात कही है वो ब्रह्मलोक में स्थित होकर के कही है, उससे नीचे स्थित होकर के नहीं कही जा सकती। जो लोग अभी शरीर में ही रहते हैं, शरीरस्थ हैं, उनके लिए उस बात को दोहराना विशेष कोई अर्थ नहीं रखता। साधना के लिए तो प्रेरणाप्रद है लेकिन उसको दोहराना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। इसलिए भगवान यहां पर कहा जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्वतः इसको जानता है। तत्वतः जानना, तत्वतः जानना माने जन्म और कर्म दिव्य कैसे हो सकता है, ये तत्वतः ही जाना जा सकता है, ये बाह्य दृष्टि से नहीं समझा जा सकता, ये विज्ञान की दृष्टि से ही जाना जा सकता है। तो भगवान कहते हैं जो तत्वतः इसे जान लेता है वह त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति, वह शरीर छोड़ने के पश्चात पुनः इस संसार में नहीं आता। क्या होता है? मां मेति, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। अब परमात्मा को
किसी ने अब तक प्राप्त किया है, ऐसा एक प्रश्न होता है। इसके उत्तर में इस श्लोक की व्याख्या कल मैंने कर ली थी, इसलिए आज ज्यादा नहीं करना। इसके उत्तर में भगवान आगे बता रहे हैं, वीतराग भय क्रोध, वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। एक नहीं, अर्जुन पूछ रहा है जिस बात को आप बता रहे हैं क्या इस स्थिति को, इस अवस्था को अब तक कोई प्राप्त किया? भगवान कहते हैं एक किया हो तो एक का नाम बताऊं। भवो ज्ञान तपसा पूता मन भाव मांगता, सृष्टि के आदि से लेकर अब तक असंख्य जीव मेरे भाव को प्राप्त हो चुके। और कैसे आपके भाव को प्राप्त हुए हैं? भगवान कहते हैं ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा पवित्र होकर के बहुत से जीव अब तक मेरे भाव को प्राप्त कर लिए। ज्ञान के द्वारा, तप के द्वारा आपके भाव को प्राप्त होने का साधन क्या है, क्रम क्या है, इसके विषय में भगवान बता रहे हैं। वीतराग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध, राग का त्याग, भय का त्याग और क्रोध का त्याग, ये तीन चीजों का त्याग हो जाए। वीत राग भय क्रोधा, ये कैसे होगा? राग न रहे, भय न रहे, क्रोध न आवे, का इसके कारण को ढूंढो तुम। राग क्यों उत्पन्न होता है, भय क्यों उत्पन्न होता है, क्रोध क्यों आता है, इन तीनों के कारण को ढूंढो। अब यहां पर इस श्लोक में मनोविज्ञान की इतनी सुंदर बात समझाई है भगवान ने, ये बहुतों की समस्या है, सबकी समस्या है, बहुतों की नहीं। राग भय और क्रोध, जिंदगी में तीन ऐसे तत्व हैं जो इसे नरक बना देते हैं। राग ने ही तो अनेक प्रकार के नाच रचाए, जीवन में जितने अनर्थ होते हैं केवल राग के नाते, बेईमानी, चोरी, दगाबाजी, झूठ, फरेब, जो कुछ करता है मनुष्य केवल राग के नाते, जिसे वो चाहता है उसको पाना चाहता है। दूसरे शब्दों में जो उसे प्रिय लगता है उसको पाना चाहता है, और यदि सीधे से अपनी शक्ति से उसे पाने की सामर्थ्य नहीं दिखती तो उसके लिए वह दूसरा रास्ता, गलत रास्ता अपनाता है। तो गलत रास्ते में चलने का मूल कारण क्या बनता है? राग। यदि उसे आराम से मिल जाए तो, आराम से मिल जाए तो क्या हो, उसमें राग नहीं होगा? कहा राग तो पहले ही है, राग तो पहले है, यदि आराम से मिल जाए तो उसमें राग की वृद्धि होती है, और यदि आराम से न मिला तो अनेक प्रकार के बुरे साधन अपनाता है, और बुरे साधन जब भी अपनाता है या राग से जो भी वस्तु प्राप्त होती है उसके लिए एक सबसे बड़ा और दुखद भाव उत्पन्न हो जाता है, भय। यदि मिल गई तो चली न जाए, बिछड़ न जाए, यानी प्रिय के वियोग का भय, प्रिय की प्राप्ति का राग और प्रिय के वियोग का भय, और उस भय को दूर करने के लिए या उस भय की संभावना से संबंधित तत्वों के प्रति हृदय में क्रोध का उदय। क्रोध कब होता है आप लोग जरा देखिए, जिस समय आप अपने को किसी भी प्रकार से कमजोर, असहाय, निर्बल देखते हैं,
उस समय आप में क्रोध का उदय होता है। जब आप किसी प्रकार से भयभीत होते हैं उस समय आप में क्रोध का उदय होता है। ये बहुत ही बड़ी बात है मनोविज्ञान की। क्रोध का कारण असमर्थता है। सामर्थ्यवान को क्रोध नहीं आता। दूसरी बात, क्रोध का कारण भय है। अभय व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। ये दो जो कारण है क्रोध के, उनका मनन करेंगे आप तो बहुत आपके लिए कल्याणप्रद होगा, कल्याणकारी होगा। यहां पर भगवान ने वीत राग भय क्रोधा एक वाक्य में कह दिया, यदि राग नहीं होगा तो भय नहीं होगा और भय नहीं होगा तो क्रोध नहीं होगा। राग और भय यही दो क्रोध में कारण होते हैं। आप लोग भी अपने अपने मन में सोचो, क्रोध कब आता है? राग और भय के सिवा क्या उसमें तीसरा कोई कारण हो सकता है? कोई नहीं। राग और भय के सिवा और क्रोध में कोई कारण नहीं होता। यदि राग नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं आएगा। और इसी राग को तीसरे अध्याय में क्या बताया? कामेश क्रोधे सर्वजुगुणसुत्र। का क्रोध का कारण क्या है? का कामना। कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। आप जो बात चाहते हैं वो नहीं हुआ, क्रोध आ गया आपको। यदि आप कुछ न चाहें तो क्रोध आएगा। क्यों आएगा? इसलिए आएगा। इसलिए राग क्रोध में कारण है और दूसरा भय क्रोध में कारण है। जब आपको ये भय हो जाता है कि अमुक से हमें खतरा है, तुरंत उसके ऊपर आपको क्रोध आता है कि हम उसको पहले खत्म कर दें। ये तो पशुओं के विषय में भी मनोविज्ञान बताता है। हमारे यहां शास्त्रों में बात समझाई गई है कि जब तक किसी को भय नहीं होता तब तक वह किसी पर आघात नहीं करता। सांप के ऊपर भी, सांप को भी जब भय होता है उसे कोई मारेगा तभी वो काटता है। यदि उसे भय ना हो किसी के मारने, कभी काट नहीं सकता। मैं आपको एक घटना सुनाऊं छोटी सी। हम यहां आश्रम बनाए हैं, उस आश्रम में शुरू शुरू में सांप ऐसे ही हमारे बिस्तर के बगल में, खाट के नीचे, रसोई घर में, छत के ऊपर, जहां देखो वहां लटकते रहते थे। इतने सांप थे, क्यों जंगल था, सारा सारा जंगल काट करके हम वहां बसे थे। और एक दिन की बात, मैं बाहर था, फिर इधर आया था, कांता जी आश्रम में थे। और अब तो आप लोगों ने देख लिया मनीषा, मनीषा आश्रम में थी। हमारा एक कमरा है छोटा सा, जिसमें मैं जब कुछ दिनों के लिए बैठता हूं उसमें, तो अलग रहने के लिए, तो उसी में हमारे एक जगह बनी है जहां समय दूध दे दिया जाता है और मैं ले लेता हूं, उसमें बंद रहता हूं। कमरा छोटा सा, अब तो आश्रम छोड़कर हम लोग दूसरी जगह चले गए, तो वहां पर हम उसमें रहते, तो हमारी साधना का कमरा था। और वो सारा छपरी है, अब तो मकान बन गया, दूसरा छपरी था, 10 वर्ष हम लोग उसमें रहे। तो एक दिन की बात, ये मनीषा जो है, हम राजू कहते हैं इसे, राजू काम करती करती थक गई, तो इसको रुचि हुई कि मैं गुरुजी वाले कमरे में चली जाऊं, वहां सो जाऊं, तो कोई मुझे जगाएगा नहीं, मैं आराम करूं। वो चली गई मेरे वाले कमरे में, वहां सो गई, सो गई। और इतनी सोई उसे पता नहीं, थकी हुई थी, सो गई। कांता जी बाहर से आए, कई बार उन्होंने आवाज दी, राजू राजू, पुकारा 3-4 बार, नहीं आवाज नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कहां चली गई वो। आकर के उन्होंने देखा कमरे में,
कमरे बड़े कमरे में जो बाहर वाला है उसमें नहीं थी। फिर उन्होंने सोचा कि शायद अंदर में चली गई हो। जब अंदर देखा उन्होंने तो राजू को पड़ा हुआ, तो बड़े जोर से वो चीख करके गिर गई। जानते हो क्यों? अच्छा, इसी बीच में क्या हुआ, जब वो सो गई वहां एक सांप आया, बहुत बड़ा सांप, काला जिसे फनियर कहते हैं, सांप आया। और वो सांप जहां से निकला था नाली के रास्ते से अंदर आया, आकर के वहां सोया होगा उसके साथ, उसके शरीर के ऊपर अपनी केचल छोड़ दी पूरी की पूरी, ऐसे गले से उतर करके उधर से चला गया। तो ताजी केचल छुड़ी हुई थी, तो उस कांता जी के नहीं पता चला कि केचल है, सांप नहीं है। उन्होंने सोचा है सांप ही है, और वो ऐसे पड़ी थी, उन्होंने सोचा कि खत्म हो गई। अब उनको यह आया कि गुरु जी को क्या मैं कहूं, ये कहकर के वो जोर से चीख पड़े। तो जोर से उन्होंने कहा अरे गुरु जी, बस इतना कहा और इतना कहकर के वो तो चीख कर गिर गए। जब वो चीख कर गिरे तो राजू भी उठ गई, उसने कहा बहन जी क्या बात है। जब आवाज सुनी तो उन्होंने सोचा कि ये तो जी रही है जी रही है। तो दौड़ करके उन्होंने उस केचुर को वहां से खाया। उसने जब केचुर देखी, करीब 5 हाथ 6 हाथ लंबा केचुर थी, छोटी सी नहीं, यानी 5 हाथ लंबा माने होता है 7.5 फुट लंबा, इतनी लंबी, और पूरा फन के सही। जब वो देखा और उसके सारे शरीर पैसे लपटा हुआ था। अब वो देख करके हैरान है, ये क्या हुआ। अब ये निश्चय हुआ कि सांप आया और वो वहां पड़ा हुआ था और केचल छोड़ी और चला गया, काटा नहीं। तो हमने सांप के विषय में कई बार पढ़ा है, पुस्तकों में पढ़ा है कि जब तक उसे अपने मारने का भय नहीं होता, कोई मुझे मारेगा, तब तक वो किसी काटता नहीं। कई बार ऐसे हुआ, यानी हमारे आश्रम में समझ लीजिए कि आज से नहीं, जब से हम लोग गए हैं, अभी अभी हमें पत्र आया था 2 दिन पहले 3-4 दिन, तो उसमें भी ये बताया कि वो सांप एक बहुत बड़ा ध्यान मंदिर में पहुंच गया और वहां पर पड़ा रहा वो, और उसको कैसे निकाला पकड़ करके और फिर कैसे ले जाकर उसे छोड़ा। यानी मेरे कहने का अभिप्राय कि ऐसे जीव जंतु भी यदि उनको ये ना हो कि हमें मारेगा कोई, तो काटते नहीं। ये हमारे प्रत्येक घटना में बात होता है, कई बार ऐसे हुआ है। और इसी रूप से बिच्छू को देखिए, जब तक उसके नजदीक कोई जाएगा उसको भय नहीं होगा, तब तक वो मारती नहीं। इसी रूप से कोई भी, यानी रामायण में तुलसीदास जी ने जो पाए लिखी है, बाघव सन्मुख गए न खाई। यदि आप शेर के ऐसे सामने चले जाएं, तो शेर आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। यदि आप सामने जाएं, अरे भी इतना हो। तो ऐसे अनेकों संत हुए जिन्होंने शेरों को प्यार किया। आप लोगों ने नाम सुना होगा स्वामी रामतीर्थ का, आप लोगों ने नाम सुना होगा चैतन्य महाप्रभु का। ऐसे इस युग में भी अनेकों ऐसे शेर रहे, संत रहे, उसके पास शेर आता था और बिल्कुल ऐसे बैठ जाता था। मैंने पहले भी आप लोगों की कथा सुनाई है सिपिया वाले महात्मा की, जब हमें यहाँ यानी ब्रह्म विद्या विज्ञान जो छप रही है ईशो परिषद की व्याख्या करता था, हमने स्वयं देखा है उन महापुरुष के ऊपर सांप आते हैं, ऐसे घूमते हैं, ऐसे चले जाते हैं और वो शांत बैठे हुए। तो ऐसे कहने का प्राय कि जो स्वयं में निर्भय है, जो किसी से भयभीत नहीं होता, उसमें क्रोध नहीं आता। क्रोध जो है वो 2 कारणों से होता है, या तो भय से या राग से। जब भी आपको क्रोध आवे देख लीजिए आप, या तो कोई राग की बात होगी उसमें, या तो भय की बात होगी, तीसरा कोई काम नहीं हो सकता। राग और भय से ही क्रोध आता है। क्रोध कहते किसे हैं, क्रोध का लक्षण क्या है, ये भी आप समझे, ध्यान से समझे। क्रोध का लक्षण भगवान ने बताया है, क्रोधात् भव सम्मोह। क्रोध उसे कहते हैं जिससे आपकी बुद्धि विमुग्ध होकर के नष्ट हो जाए। युद्ध में जो
वीर लड़ रहा है वहां क्रोध नहीं है, उसे क्रोध नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता जानते हो?